लालू और रावड़ी देवी ने क्यों नहीं लगाया कोरोना का टीका, मोदी ने पूछा ऐसा बड़ा सवाल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सुशील कुमार मोदी ने आरोप प्रत्यारोप लगा कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जैसे विपक्षी दलों ने कोरोना वैक्सीन की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा किया, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण की गति तेज नहीं हो पाई है। मोदी ने सोमवार को कहा कि आपदा में राजनीति का अवसर खोजने वाले कांग्रेस राजद जैसे विपक्षी दल भारतीय वैक्सीन की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठाने का इसका मजाक उड़ाने में लगे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण की गति तेज नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि कोई इसे भाजपा का टीका कह रहा है तो कोई प्रधानमंत्री को पहले कोवैक्सीन लगाने की चुनौती दे रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अनेक अति विशिष्ट लोगों ने टीका लगवाकर जनता में विश्वास पैदा किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को सरकार पर सवाल उठाने से पहले बताना चाहिए कि लालू प्रसाद और श्रीमती रावड़ी देवी ने अभी तक कोरोना का टीका क्यों नहीं दिया है। मोदी ने तेजस्वी यादव से यह भी बताने को कहा कि राजद के कितने विधायकों ने वैक्सीन लगवाई। उन्होंने सवाल किया कि क्या राजद ग्रामीण गरीबों को टीकाकरण से दूर रखकर उनकी ज़िंदगी को खतरे में डालना चाहता है। भाजपा सांसद ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि भारत सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सबसे पहले देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया है, दो वैक्सीन साल भर के भीतर तैयार कराई और आज DRDO ने तीसरी दवा 2DG भी लॉन्च की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने 14 दिनों में 17 करोड़ डोज देकर तेज मुफ्त टीकाकरण भी उपलब्ध कराया। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार कोरोना वायरस को रोकने में और पूरा प्रबंधक एकदम नाकाम रहा? अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।